तो जैसा कि मैंने बताया, हम आ चुके हैं यामा के शोरूम में। 3 पीसेस वो खड़े हैं MT15 के, एंड ये जो है न्यू मॉडल है R15 का, 2023 मॉडल है। ये भी सेम मॉडल है, बट डिफरेंस इनमें अभी मैं आपको बताता हूँ। ये ब्लू कलर में है, ये की जो M है ये है सिल्वर कलर में, जो कि बहुत प्यारा कलर है, उसकी बहुत डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको MT15 की वीडियो देखनी है तो मैंने डाल चुकी है इससे पहले वाली वीडियो जो MT15 की, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये स्टार्ट करते हैं, वो जो पहले वाली मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या क्या चेंजमेंट हुआ है इसमें। सबसे पहले देखो ये जो डिस्प्ले आ रही है, ये मतलब ये वाला पुराना मॉडल है, 2022 है, 2023 नहीं है। और जो ये है ये 2023 है। इसमें आपको ऐसी डिस्प्ले मिल जाती है, काफ़ी बड़ी मिल जाती है देखने में, और ये थोड़ी छोटी लगती है मतलब पुराने वाली है। और इसमें सेकंड चेंज इसमें ये है, इंडिकेटर्स देखो, इसमें आपको मिल जाते हैं LED इंडिकेटर्स, और इसमें आपको मिलते हैं सिंपल वैसे ही मिलते हैं। तो ये पहले क्या शिकायत आती थी, मतलब ऐसा था कि ये बहुत ही लूज़ थे और ये हिलने भी लग जाते थे, अच्छे भी नहीं लगते थे। बट अब ये देखो बिल्कुल बहुत प्यारे लगते हैं, देखो पास से बिल्कुल LED इंडिकेटर्स हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसमें R15 में तो ये 2 ही चेंजेस कर रहे हैं, बट MT में 2-3 कर दिए। TCS दे दिया आपको, जैसे कि डुअल चैनल ABS दे दिया, और तो एक वो दिया है, क्या दिया है इसमें देखो, कलर तो गाइस ब्लू भी अच्छा है बट R15 का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके ऑन रोड की प्राइस की बात करो तो उसकी तो पहले शायद उसमें जो ये कलर है 2022 मॉडल, ये 10,000 महंगा था इन दोनों कलरों से। जो ये कलर है ब्लू कलर हो गया, रेड हो गया, ये 2,20,000 का आसपास आ जाती थी, बट ये 2,30,000 के आसपास आती थी। और अब इसमें जैसा कि डिस्प्ले चेंज कर दिया, LED चेंज कर दिया, तो इसमें भी 5,000-6,000 रुपीज़ मतलब इंक्रीज़ हुए होंगे एज़ यूजल, जैसे कि उसमें हुआ है। उसमें पहले ये था, उसका ऑन रोड प्राइस 2 लाख के आसपास था, बट अब इसका 2,06,000-07,000 के आसपास हो चुका है। उसमें काफ़ी चेंज दिया, मतलब जो पब्लिक को जो इसमें शिकायत आती थी वो बिल्कुल चेंज कर दिया, गाड़ी को फुल्ली मतलब बिल्कुल मस्त बना दिया। तो अब इसकी डिमांड पहले ही बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो अब तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, और इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब से ये कलर आया, इस कलर को बहुत दुनिया बहुत कलर बहुत ले रही है, दुनिया इस कलर को बहुत अच्छा कलर है। तो देख सकते हो आप, इसकी ऑन रोड प्राइस अब आपको पड़ जाएगी समथिंग 2,36,000 या फिर 40,000 के आसपास चल जाएगी, क्योंकि इसमें डिस्प्ले और LED इंडिकेटर्स चेंज कर दिए हैं, देख सकते हो आप।